हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर अकाउंटेंसी क्लास। बच्चों एज वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंटेंसी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक विच इज एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट? क्लोज्ड अकाउंट मीन्स बच्चों के हम अकाउंट्स को क्लोज कर चुके हैं, मीन्स अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम क्लोज कर चुके हैं। सो इट इज नॉट अलाउड टू ओपन इट, दोबारा से हम उसको ओपन करें और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे सपोज अगर हम कोई आइटम भूल गए अपने प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट में नहीं चलते, तो उसका ट्रीटमेंट ये नहीं है कि हम अपनी बैलेंस शीट में ओवर राइटिंग करें। उसका ट्रीटमेंट सही क्या होगा कि हम अपने नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो यही आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास में कि हम अपने क्लोज्ड अकाउंट में एक एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं। अब एडजस्टमेंट किन किन चीजों से रिलेटेड बच्चों हो सकती है? नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हमें प्रोवाइड करना था बट हम उसको ओमिट कर गए, भूल गए। या फिर हो सकता है कि हमें इंटरेस्ट ज्यादा देना था, 10% देना था, हम 9% कम दे गए। या इसका अपोजिट भी बच्चों हो सकता है कि 9% देना था, हम उनको 10% दे गए, ठीक है। तो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड टॉपिक हुआ। सेकंड टॉपिक होगा आपका सैलरी। थर्ड होगा कमीशन। फोर्थ होगा प्रॉफिट। फिफ्थ होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे अपनी आज इस वीडियो में कि हम इन सारे एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इससे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। So let us start with the very first question, which is after the account of the partnership have been drawn up and the books closed off, it is discovered that interest on capital at the rate 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. Omit means bhul jana. The capital account at the beginning of the year stood as 8 lakh, 4 lakh, 3 lakh. Their profit sharing ratio 2:1:1. Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjusting entry at the beginning of the next year. So, बच्चों, how we will solve this question? क्या चीज बच्चों हम omit कर गए हैं इस question में? हम omit कर रहे हैं interest on capital provided. तो first we will make an adjustment table for that. How we will make adjustment table? The format will be this: particulars, partner A, partner B, partner C, and this column will be called total. And this table will be called adjustment table. Okay? Now, बच्चों जो हम यहां omit कर रहे हैं, क्या omit कर रहे हैं? Interest on कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। अब बच्चों आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है। पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? इनकम। एक तो वी विल राइट हियर द क्रेडिट बिकॉज इट इज द रूल ऑफ अकाउंटेंसी दैट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल कम्स इन debit and all incomes and gains will comes in credit. That is why interest on capital will be credited here from the viewpoint of partner. Now find out the capital interest on capital of each partner. The capital of A is 8 lakh and 8 lakh ka 8% bachcho 8 8s are 64,000. The capital of B is given in the question 4 lakh. 4 8s are 32,000. The capital of C is given in the question which is 3 lakh, 3 8s of 24,000. Now add all three amount, 64 plus 32 plus 24,000, total will come 1,20,000. After that we will divide the total
means 120,000 in ratio of their profit sharing ratio, okay, which is given in the question 2:1:1 and it will become debit. क्योंकि बच्चों जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री कभी भी हमारी सिर्फ डेबिट या क्रेडिट से नहीं होती है, वहां पर आपके दोनों ही पॉइंट आने चाहिए. अगर डेबिट एक अकाउंट हो रहा है तो नेक्स्ट अकाउंट आपका क्रेडिट होना कंपलसरी बनता है अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम. तो यहाँ देखिए आपका एक अकाउंट तो क्रेडिट हो चुका है तो नेक्स्ट वन जो होगा वो आपका डेबिट होगा. ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं हम 1,20,000 को. फर्स्ट वी विल डिवाइड बाय 4 द टोटल ऑफ रेशियो 2+1+1 4. सो 1,20,000 डिवाइड बाय 4 4 3 12 30,000. नाउ द रेशियो ऑफ ए इज 2 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 60,000 फॉर ए 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 30,000 फॉर बी एंड सी विल ऑल्सो रिमेन 30,000 बिकॉज द रेशियो इज 2:1:1 60,000 30,000 30,000 एंड टोटल विल ऑल्सो कम 1,20,000. नाउ वॉट यू विल डू, यू विल डू द बैलेंस ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट. 64,000 minus 60,000 it will remain 4,000. 32,000 minus 30,000 2,000. 30,000 minus 24,000 6,000. बच्चों यहाँ ए में देखें अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट ग्रेटर था कि डेबिट का अमाउंट ग्रेटर था. क्रेडिट का अमाउंट ग्रेटर था ना, यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे मेंशन करेंगे क्रेडिट. इन बी, बी में भी देखें बच्चों क्रेडिट का अमाउंट ग्रेटर है 32,000 क्रेडिट. सी में भी बच्चों यहाँ पर अमाउंट किसका ग्रेटर है, डेबिट का 30,000 सो इट विल बिकम डेबिट. नाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री विच इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री. कैसे पास करेंगे बच्चों, फर्स्ट वी विल मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. द फॉर्मेट ऑफ जर्नल इज यू ऑल नो वेरी वेल दैट हाउ टू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट एंड यू विल पास द जर्नल एंट्री इज डेबिट इज सी. सो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट बिकॉज ए इज ऑफ क्रेडिट एंड बी इज ऑल्सो ऑफ क्रेडिट टू दीज कैपिटल अकाउंट. अमाउंट ऑफ सी इज 6,000 अमाउंट ऑफ ए इज 4,000 एंड अमाउंट ऑफ बी इज 2,000 एंड वी विल राइट हियर द नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड. ओके, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड. आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. अब सपोज बच्चों अगर क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्लेस पर क्या आ जाता है, सैलरी आ जाता है, कमीशन आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, तो ये सारे पॉइंट हमारे बच्चों क्या होते हैं, क्रेडिट के आइटम होते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू. वो भी ऐसी सवाल पूछते हैं आपके क्वेश्चन, बट आपको यहाँ पर नेम चेंज करना होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्लेस पर आप सैलरी कमीशन प्रॉफिट लिख सकते हैं. That will also the points of credit items. तो सारे आइटम किसके हैं, क्रेडिट के आइटम. और आफ्टर दैट वी विल डिवाइड द टोटल इन रेशियो एंड वी विल राइट हियर द डेबिट. बट द नेक्स्ट थिंग इज दैट बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट होगा. ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, डेबिट होगा. तो सपोज आपका क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड आता है तो फर्स्ट यू विल राइट हियर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड वी विल पुट हियर डेबिट इन प्लेस ऑफ क्रेडिट. आफ्टर दैट जो भी टोटल होगा हम उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड 1,20,000 इन रेशियो दिस एंड वी विल पुट हियर क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट. क्योंकि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के साथ डेबिट लगा चुके हैं तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो वो वहां क्रेडिट हो जाएगा.
फिर उसे बैलेंस करेंगे और एंट्री पास कर देंगे। सो दिस इज द वे टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन क्लोज्ड अकाउंट। कीप रिवाइजिंग इट बच्चों। थैंक यू सो मच।